हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। और आज की इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो 10th क्लास का चैप्टर है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिए हैं, ठीक है। सो इसमें आपके टू बेनिफिट्स हैं। एक तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, और साथ में आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी तैयारी हो जाएगी आपके क्वेश्चंस की, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम उन 10 क्वेश्चंस को बेस्ट वे से समझने की कोशिश करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट एमसीक्यू सेज कि इफ़ सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन। तो इसमें क्या है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है दैट एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल के प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल के सम के इक्वल है। बस आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वेयर। तो आप पाई आर स्क्वेयर को इक्वल कर दोगे पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर के। तो यहाँ से सारी जो पाए हैं वो कट जाएंगी और आपके पास आ जाएगा दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, एंड इसी वजह से हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है। सेकेंड देखो, इफ़ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन। अब इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो अगेन आपको सर्कमफ्रेंस का वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, 2πr होता है। तो इसमें जो भी आपको रेडियस R1 R2 गिवन है वो सब पुट करके आपके पास 2π जो है कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। थर्ड देखो, सो थर्ड है, कॉमन क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर आर इक्वल, देन। अब हमें सर्कमफ्रेंस और पैरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इक्वल गिवन है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। तो इसका सोल्यूशन आप देखो, सोल्यूशन में है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लिख लिया दैट सर्कमफ्रेंस इक्वल है पैरीमीटर के, तो हमारे पास 2πr आ गया 4a के इक्वल, राइट। हमने a जो है साइड ऑफ स्क्वायर लिए और r हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इसमें 22/7 r इक्वल टू 2a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11r इक्वल हो जाएगा 7a की, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 11/7r और r की वैल्यू आ गई 7a/11। अब जब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, तो वहाँ पर आप जो है आर की वैल्यू पुट करोगे, जो हमने 7a/11 निकाली है, तो हमारे पास इस तरह से 14a/11 आ जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो वहाँ से हम इक्वेशन 2 और 3 जो हमने लिए थे, ये 14a/11 और जो सेकेंड एरिया है ए स्क्वायर, इन दोनों को आपस में इक्वेट करके जब देखेंगे, हम इनको देखेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो एरिया 1 है यानी कि 14a/11 है वो ग्रेटर है ए स्क्वायर से। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल इज़ ग्रेटर दैन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस वजह से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ वन है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स इज। तो आपको फिगर में भी आप देख सकते हो, एक सेमी सर्कल है जिसमें एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब किया है, तो हमें उसका लार्जेस्ट ट्राइंगल का एरिया बताना है, जितना बड़ा हो सकता है उतने ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो उसमें हम एक सी पॉइंट देंगे, ठीक है, टेक अ पॉइंट सी ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल एंड जॉइन इट बाई एंडस ऑफ डायमीटर ए एंड बी। तो यहाँ पर आपने 9th क्लास में सर्कल्स चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री, तो एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। सो हम एरिया कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस इज़ ए बी एंड हाइट क्या है, सी डी। सी डी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो सी डी भी रेडियस है, आर है, वो वैल्यू पुट करी, और ए डी और डी बी इक्वल हैं, वो आपस में 2r हो जाएंगे प्लस करके। तो आप हाफ इंटू 2r इंटू r करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, r स्क्वायर यूनिट्स।
नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर. सो उसमें आपका है दैट पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि दोनों के आपस में पैरीमीटर इक्वल है. हमें रेशियो फाइंड करनी है उनके एरियाज की. तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ सर्कल आ ले रहे हैं और साइड ऑफ स्क्वायर ए ले रहे हैं. तो हमें पैरीमीटर ऑफ सर्कल पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि 2πr इज इक्वल टू 4a. सो a की वैल्यू आ जाएगी पाई आर बाई 2. अब हमें दोनों के एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है. तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर. यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं. तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा दैट वुड बी 14/11, दैट इज 14:11. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर. सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए. इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर्स 16 meters एंड 12 meters इन अ लोकेलिटी. द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी. सो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क निकालना पड़ेगा जिसका डायमीटर आपको 16 meters गिवन है. तो रेडियस आपके पास 8 meters आ जाएगा एंड पाई आर स्क्वायर में आप वैल्यूज पुट करके 64π m² आंसर निकालोगे. अब सेकंड सर्कुलर पार्क को निकालोगे, उसमें आपका डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा, आंसर आएगा 36π m². अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, आपको एरिया ऑफ सिंगल सर्कुलर पार्क निकालना है तो वो दोनों को ऐड करके आएगा, दोनों सर्कुलर पार्क्स को ऐड करके आएगा. तो आपका वो 100π के इक्वल आ जाएगा एंड पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर 100 के इक्वल आएगा और वहाँ से आर 10 meters आ जाएगा. सेवेंथ क्वेश्चन. एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 cm इज. तो ए बी सी डी स्क्वायर है जिसका जो हर साइड है 6 cm है और हमें इस सर्कल की एरिया निकालनी है. सो साइड पता है. अब इसका जो डायामीटर है वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट? तो वो भी 6 cm होगा. रेडियस क्या आ जाएगा? 3 cm. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपके पास 9π² आ जाएगा आंसर. एट्थ क्वेश्चन. इसमें आपको है गिवन दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 cm इज. तो इसमें अब आपका ऑपोजिट कर दिया, आपको सर्कल के बीच में स्क्वायर दे दिया. पहले में सर्कल के बीच स्क्वायर के बीच में सर्कल था, अब सर्कल के बीच में एक स्क्वायर है जिसका आपको एरिया निकालना है. तो यहाँ पर देखो, आपको रेडियस 8 cm गिवन है, वहाँ से आप डायामीटर निकाल लोगे 16 cm, ठीक है? अब जो डायामीटर है वो डायगनल के इक्वल होगा, स्क्वायर के डायगनल के इक्वल, ठीक है? हमने साइड ऑफ स्क्वायर को एक्स ले लिया, राइट? तो अब हम एक ए बी सी जो ट्राइंगल है उसको राइट एंगल ट्राइंगल को ले रहे हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. तो उसमें ए बी और बी सी तो सेम है, साइड ऑफ स्क्वायर है. साइड ऑफ स्क्वायर के वैल्यू क्या है? एक्स. तो दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए सी के. ए सी क्या है? डायगनल है. डायगनल इसका इक्वल है, डायमीटर की इक्वल है. डायमीटर क्या है? 16 cm. तो उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एक्स स्क्वायर आएगा वो 128 आएगा. अब इसमें से आपको एक्स की वैल्यू निकालने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर. और एक्स हमने साइड लिया तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर किसके ऑलरेडी इक्वल आ गया 128 के. चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 9th. सो इसमें है कि रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर्स 36 cm एंड 20 cm इज. तो इसमें बहुत सिंपल है, आप पहले फर्स्ट वाले सर्कमफ्रेंस को निकाल लो, ऐसे ही सेकेंड वाले को निकाल लो, ठीक है? आपको आपको डायमीटर्स गिवन है, वहाँ से आप उनके रेडियस को करके सर्कमफ्रेंसेज निकाल लोगे और उन दोनों को ऐड कर लोगे, तो आपके पास 56 cm जो है डायामीटर आ जाएगा. एंड हमें क्वेश्चन में रेडियस पूछा है तो 56 का हाफ करोगे 28 cm आंसर आ जाएगा. इसी तरह हम लास्ट 10th क्वेश्चन को भी करेंगे. तो उसमें आपको डायामीटर ऑफ सर्कल निकालना है जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 24 cm एंड 7 cm. तो पहले फर्स्ट सर्कल का रेडियस एरिया निकालो, ऐसे ही सेकेंड का निकालो, उन दोनों को ऐड करो तो वहाँ से आपकी आर की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 25 cm. और आपको निकालना है डायामीटर, तो डायामीटर उसका ट्वाइस कर दो, सो दैट वुड बी 50 cm. तो इस तरह से आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को भी मास्टर कर लिया है, आपने उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है? सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, राइट?
सो इस वजह से हमने सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है. सो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं देन आप श्योरली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. इफ यू डिड देन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.